क्यों रहा? क्यों रहा? रात के 2 बज रहे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीदें ठीक होंगे और सबको गुड मॉर्निंग। अभी 3 भी नहीं बजा है और जल्दी उठ गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे और हिना को निकलना है अभी पूंछ के लिए। तो हमें शायद 4:30 की बस पकड़नी है। तो कैसे क्या शेड्यूल होता है, सबसे पहले मैं अभी नहाऊंगी, फ्रेश होंगी, नमाज़ पढ़ूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ और बताऊँगी कि हम कैसे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हो गई नमाज भी, हो गई और अभी 4 बजने वाला है और आधे घंटे में हम किस तरीके से बस स्टैंड पहुँचते हैं ये नहीं पता। तो स्कूटी लेके जाऊँगी मैं बस स्टैंड तक और वहीं पर मैं कहीं पार्क करूँगी, देखते हैं क्या होता है, बस मिलती है नहीं मिलती है, ये एक अदर टॉपिक है। तो मिलती हूँ आपको सीधा बस स्टैंड। तो फाइनली बस स्टैंड पहुंच गए हम लोग और बस ये मेरे पीछे खड़ी है, ये बस है और अब निकलने में टाइमिंग है थोड़ा सा, हो सकता है जल्दी पहुंच जाए हम लोग। तो देखते हैं जर्नी कैसी रहती है, गर्मी का क्या सिस्टम है क्या नहीं। और मेरा प्लान है कि एक ही दिन में वापस आना, तो उसके लिए थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है, आना मुश्किल है, क्योंकि काम अगर हो जाएगा तो फिर काम मैं आपको बताऊंगी, फिर काम हो गया तो जल्दी हम वापस आ ही जाएंगे। तो बाकी बस स्टैंड का नज़ारा दिखा देती हूँ आपको सुबह सुबह का। ये हमारी बस है और अभी टाइम हो रहा है 4:30। 4:30 के हिसाब से अगर आप ये बस पकड़ते हैं तो आपको 350 या 400 का कुछ फेयर लगता है, तो मेरे ख्याल से तो ठीक है। बाकी बस स्टैंड पे तो ऑलमोस्ट रश ही है। हिना ने आज लेट करा दिया था, तो ये बस का इंटीरियर भी कुछ ऐसा है, अच्छी है, ठीक है। हेलमेट को संभालना पड़ेगा अब फ्रेंड्स। स्कूटी तो मैंने पार्किंग में लगा दी, लेकिन हेलमेट ये मेरे पास ही रह गया। तो पार्किंग कहाँ है? पार्किंग बड़ा दूर है फ्रेंड्स, 4:44 हम लोग बस में बैठे थे और अभी 5:15 होने वाला है, लेकिन अभी तक बस निकली नहीं है। और जब हम बैठे हैं बस में तब बिल्कुल अंधेरा था और अब देखो उजाला भी हो गया है। टाइम पास के लिए ये ले लिया है, ऐसे कुछ खाने पीने का मन तो है नहीं, चाय पी के निकले थे घर से, तो बस देखते हैं कब छूटती है बस। तो फाइनली फ्रेंड्स, 5:30 जो है वो हमारी बस स्टैंड से अब हिली है और अब कब स्पीड पकड़ती है और कब निकलती है देखते हैं। तो बस अब हिली है, मौसम कैसा रहता है पता नहीं, गर्मी नहीं होनी चाहिए, ठीक ही रहना चाहिए मौसम। तो
5:30 बजे हम निकल गए हैं। रास्ता बस अच्छा होना चाहिए और नॉन स्टॉप हम अगर चलें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें एक ही दिन में वापस भी आना है, तो कितना पॉसिबल हो सकता है। मम्मी आपकी मेरे को तो मुझे तो इतनी नींद आ रही है ना, मतलब कोई रात सोई नहीं हूँ, और 2:30 बजे उठ के नहाए धोए और ड्रामे कर रही। हाँ, ड्रामा भी तो बहुत करना पड़ता है ना घर में। बस कहीं भी जाना हो ना तो घर में हमारे ड्रामा मॉर्निंग में निकलना है, फिर भी कोई चीज़ मिलती है कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा ना दिमाग ख़राब करना पड़ता है। लेकिन चलो खैर, तो ये है कि हम बस टाइमली पहुँच जाए और जिस काम से हम जा रहे हैं वो काम हो जाए। तो वहाँ पहुँच के अगर मेरा काम हो जाता है फिर मैं आपको ब्रीफ करूँगी कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्या है। अब करते हैं थोड़ा सा सफ़र इंजॉय। और मुझे बस में बैठने की बिल्कुल भी आदत नहीं, जब से स्कूटी ली है तो स्कूटी से ही मुझे आदत है हर जगह जाने की, तो बस में जाना थोड़ा मुश्किल हो, मतलब थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को, बट देखते हैं, होप अच्छा निकल जाए सफ़र। साढ़े 5 बजे के बाद अभी एक गेट सुंदर बनी में मिला था, मतलब बुक की थी गाड़ी और साथ में कुछ यहाँ पर वॉशरूम वगैरह खाने का, हम गाड़ी में ही बैठे थे। और अभी नेक्स्ट स्टॉप पता नहीं कहाँ होता है, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कहाँ होगा, तो वॉशरूम वगैरह थोड़ा सा जहाँ पर अवेलेबल हो जाए वैसा। बस में यही प्रॉब्लम होती है, तो बाकी सोमो वगैरह भी आती रहती तो उसमें ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि कभी भी बंदा रुका के तो इमरजेंसी अगर हो तो कर सकता है, बट यहाँ पर बस में पता नहीं नेक्स्ट इनका हॉल्ट कहाँ पर होता है वो देखते हैं। बाकी तो सुंदरबनी में रुके हैं हम, गार्बेज फ्री सिटी, और यहाँ पर गार्बेज देखो, गर्मी मिलेगी हम लोगों उधर रजौरी में गर्मी मिलेगी। हाउ यू फीलिंग? हिना को लगी है भूख, मैं साथ में लाई हूँ पोहा भी लाई हूँ, लेकिन खाने का कुछ इरादा नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी जो है ना थोड़ा हम लोग कम ही पी रहे हैं, कि पानी ज़्यादा ना पिए तो बेस्ट रहेगा। चले चल पड़ी है बस, अभी टायर पंचर हो गया है, वेट कर रहे हैं यहाँ पर, रुक
चुके हैं फ्रेंड्स, अभी टायर पंचर हो गया है बस का। उम्मीद तो थी कि शायद अगर ये नहीं होता तो जल्दी पहुंच जाते, बट फिर भी आधा पौना घंटा जो है वो लेट ही हम चलेंगे। टायर हो गया है पंचर, हो जाएगा 10-15 मिनट में तो हो ही जाएगा ठीक। फिर उसके बाद अभी तक कोई ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं। सुबह 4 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया था, हिना ने अभी कुछ भी नहीं किया ब्रेकफास्ट, तो देखते हैं अब क्या होता है। बाकी व्यू बड़ा अच्छा है। अभी हम रजौरी भी नहीं पहुंचे हैं और यहाँ पर टायर जो है वो पंचर हो गया है। यहाँ फ्रेंड्स एक प्यारा सा गुरुद्वारा भी है जहाँ हमारी बस जो है वो पंचर हुई है, टायर चेंज हो रहा है। बहुत प्यारी जगह है। और हीना लगी है, क्या कर रही है हीना? हीना को तो नाश्ता भी हो रहा है, ब्रेकफास्ट कर रही है। किया ब्रेकफास्ट? नहीं। पंचर हो गई है बस, किसने कहा? टायर चेंज कर रहे हैं। पता क्यों नहीं चला? लेट लेट, वी आर लेट। चलो 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 चलो। इतनी गर्मी में कौन खाते हैं? अब गर्मी इस कदर है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी, मुझे तो गर्मी लग रही है, लग रही गर्मी नहीं तो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट यहाँ पर रजौरी में बस खाली हो गई है। क्या ट्राई करना है? वेंडर्स का ना ऐसी डिस्टरबेंस रहता है। रोड्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके लिए हर जगह जो है वो ट्रैफिक, हर जगह पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। ये रही हमारी बस। फ्रेंड्स हो गया लंच, अभी किया लंच का टाइम भी था इसके लिए, लंच ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा सा बिल्कुल पीना नहीं लिया था, उसी प्लेट में मैंने भी खाया और बिस्किट रखे साथ में और पीना ने लिया किटकैट। अब देखते हैं, पहले जो काम के लिए आए हैं उसका बड़ा टेंशन है, वो काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें आज के दिन वापस नहीं करना है। मैंने चाहती कि टाइम वेस्ट हो ज़्यादा, बस जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी पहुँचे और अपना जो है वो काम खत्म करें, तो अब मैं आपको सीधे पहुँचना हूँ। रफ्तार भी नहीं, इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं, और हम जो है वो इंजॉय
सुरनकोट चेक पोस्ट पर ही उतरे हैं, पूरा सुरनकोट नहीं गए हैं हम अंदर। अब वेट कर रहे हैं दूसरा कन्वीनियंस कोई हमें मिल जाए, फिर वहाँ से हम जाएंगे पुलिस स्टेशन और सीआईडी ऑफिस, वेरिफिकेशन करवा के फिर देखते हैं क्या होता है। जो काम करने के लिए हम आए थे वो काम हमारा हो गया है, अच्छे से हो गया है। आए तो आराम से हम लोग, हमारा काम भी सारा हो गया, लेकिन अब जम्मू जाने की जो है ना वो दिक्कत आ रही है। अब हमें जो है वो जर्नी हमारी दो पार्ट में करनी पड़ेगी, और यहाँ से पुंछ सुरनकोट से रजौरी, और रजौरी से मे बी अगर ये वाली जल्दी निकलती है तो हमें जम्मू के लिए वहाँ से मिल जाएगी, अदरवाइज़ हम लोग फंसने वाले हैं। तो अभी टोटली कुछ पता नहीं है कि होने वाला क्या है, हम कैसे जम्मू पहुँचते हैं कुछ भी नहीं पता। और जैसे भी ये जैसे निकलती है मैं आपको बताऊंगी कि कब निकल रही है और वो कब पहुँच रही है। ऐसे तो अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि जम्मू हमारा कब तक पहुँचना होता है। जो आज की जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक थी, बहुत ज़्यादा हैक्टिक थी, लेकिन काम सारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम क्या था और कैसे क्या हुआ वो मैं सारा डिटेल आपको जम्मू जाकर अपने ब्लॉग की एंड पे ही दूंगी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पूरा डेढ़ घंटे इंतजार करने के बाद हम लोग सुरनकोट से निकल पड़े और हमारी गाड़ी इसने रजौरी से हमें छोड़ा, और अब यहाँ हम वेट कर रहे हैं पुंछ वाली गाड़ी, सॉरी पुंछ बोल रही हूँ, जम्मू की गाड़ी। मिल गई है गाड़ी और हम लोग बस जा रहे हैं, बहुत कंजेस्टेड है लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं क्योंकि कुछ है नहीं। और वेदर देखो, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो पहुँचना बहुत ज़रूरी है घर। अनकम्फर्टेबल हो गया हम लोग, जो जर्नी कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, तो बस देखते हैं क्या खाना होता है। थक बहुत गए हैं ना, देखते हैं। मैं अभी भी बस में हूँ, अभी भी बस में हूँ। हम यहाँ रुके हैं अभी, इतनी बुरी हालत हो रही है, इतनी बुरी ज़्यादा हालत हो रही है,
आंखें भी जल रही है और पूरी बॉडी जो है ना वो पेन कर रही है। मंगाओ खाना। यहाँ मेरा आ गया पनीर और रोटी। अभीना ने मंगाया था राजमा चावल, तो देखते हैं बस। तो फ्रेंड बस खाना शुरू करते हैं, भूख भी लगी है। दोपहर में भी लंच जो है वो प्रॉपर नहीं किया हुआ था, बस खाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स खाना पीना हो गया और अब हम निकल रहे हैं सीधे जम्मू के लिए, और बीच में कोई स्टॉपेज नहीं लेंगे। और मैं अब भी जो है वो यहीं पर ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, क्योंकि रात हो जाएगी काफ़ी, एक बज जाएगा, डेढ़ बज जाएगा, स्कूटी लेके घर भागना है। तो मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अगर आपको मेरा ब्लॉग ये पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।